हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्वांटेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्वांटेंट निकालना क्या हमारा 306 डिवाइडेड बाय 8 है, मीन्स हमें 8 से डिवाइड करना है। किसको करना? 306 को, मतलब 306 को। अब मुझे 8 की टेबल बोलनी 30 तक। अगर हमें 8 की टेबल आती होगी तो 81 जे कितना होता हमारा 8 होता, 82 जे कितना होता 16 होता, 83 जे कितना हो जाएगा 24, 84 जो हमारा कितना होता 32। लेकिन हमारे यहाँ तो 30 है, तो 32 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ग्रेटर तो हम लिख नहीं, तो नियरेस्ट क्या आ रहा 83 जो कितना हो रहा 24। ओके, माइनस कर दो, 10 में से 4 गए कितना आएगा 6। अब यहाँ से कैरी यहाँ गए 10 हो गए तो ये 2 हो गए तो ये 0 हो गए। अब हमारे पास क्या बच रहेगा 6, तो कितना हो गया 66। अब 85 जो कितना होता हमारा 40 होता, 86 जो कितना होता 48 होता, 87 जो हमारा कितना होता 56, 88 जा 64, 89 जा 72। तो 72 तो हम लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे 64। कितने टाइम जा रहा 88 जा 64। ओके, 6 में 4 गया 2, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ये हमारा क्वांटेंट है और ये रिमाइंडर है। तो अब हमारा रिमाइंडर कितना है, अगर हम देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना है, रिमाइंडर इक्वल टू 2 है और क्वांटेंट क्वांटेंट इक्वल टू कितना है हमारा, हमारा आया क्वांटेंट 38। तो ये हमारा क्वांटेंट है। ऐसे हमारा सेकेंड वाला देखो, हमें 3008 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे कितना 3008 को। 7 की टेबल बोलनी है 30 तक बोलेंगे, तो 72 जो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर मैं 73 जो करूँ तो 21 बड़ा हो जाएगा, तो 72 जो 14 तक। 10 में से 4 गए कितना आएगा 6, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 73 जा सकता, ये 30 है, सॉरी ये 30 हमारा, ये गलत हो गया 7, और ये क्या 3008 है। ठीक हो, 74 जो 28 तक जाएगा। ओके, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 गए ये 20। अब 72 जा 14 होगा। ओके, 10 में से 4 गया यहाँ 6 बचा। ओके, यहाँ 0 यहाँ 8 आ जाएगा। अब 7 की टेबल 68 तक बोलनी, लेकिन 79 जा कितना होता हमारा 63 होता, 8 में 3 गए 5, ये हमारा रिमाइंडर होगा, ये क्वेश्चन हो गया। ओके,